फिर से स्वागत है आपका पोद्दार ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक इस्लाह प्रक्रिया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हिमोड, हिमोड क्या होता है? हिमोड जब बर्फ हिमानी चक्कर आती है तो अपने साथ बहुत से कंकड़ पत्थर साथ में लेके चलती है, और हिमानी द्वारा जो साथ में जो मलबा लाया जाता है हिमोड़ कहते हैं। और ये हिमोड़ जब ये हिमोड़ का निक्षेप होता है, क्या होता है नीचे, तो उनके इस निक्षेप से जो निर्मित आकृति होती है उसे हिमोड़ कहते हैं। कहते हैं हिमोड़। हिमानी द्वारा निक्षेपित कंकड़ पत्थर में गोला सुन जमा हो, गोला सुन के जमा हो गोलासु के जमाव को हिमोड़ कहते हैं। गोलाकार तो जिनके किनारे एकदम चिमड़े हों, क्योंकि अपरदन द्वारा घर्षण से आपस में रोड़ उड़क कर जो पत्थरों के जो किनारे होते हैं पास होते हैं वो एकदम विस्के सपाट एकदम चिमड़े हो जाते हैं, उनको गोलासु कहते हैं। ये हिमानी जो अंतिम भाग होता है जहां ढलान समाप्त हो जाता है, अपरदन शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां पर क्या होता है जमा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है एस्कर। एस्कर हिमानी जड़ों के जमाव से निर्मित लंबे सकड़े लहरदार घटक, हिमानी जड़ों के जमाव से निर्मित लंबे लहरदार कटक ऐसे, इस तरह के जो लहरों में जवाब में इनका जमा होता है इनका पत्थर उसको ऐसे के नाम से जाना जाता है। केम जमाव से निर्मित तीव्र धार वाले पीले, हिमानी जरूरत से तीव्र धार वाले पीले होते उनको केम कहते हैं। ये इस प्रकार जो पीले होते हैं उनको केम कहते हैं।
कैटिंग। हिमखंडों के पिघलने से हिमखंडों के पिघलने से निर्मित बर्फ को कैटिंग कहते हैं। जैसे ये पूरा बर्फीले क्षेत्र है, अब यहां से जो बर्फ पिघल जाए उसमें इस तरीके से गड्ढे बन जाए, ये गर्त बन जाए, इन गर्तों को केटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ ये पूरा बर्फ ढका हुआ क्षेत्र था, पर इसके जो बीच के बदले भाग में से बर्फ पिघलने से गर्त का निर्माण हो गया, इसे केटिंग कहते हैं। अब है ड्रमबीम, गोला से मृतिका के पीछे से अंडों की टोकरी के समान आकृति को ड्रिम बीम कहते हैं। कहते हैं ड्रिम बीम, जो गोला से मृतिका है बोल्ड बोलते हैं इसको हम, उनके नीचे से उल्टी अंडे की आकृति होती है, अंडे की टोकरी का आकृति, ऐसी आकृति का निर्माण हो जाए तो उसे ड्रिम बीम कहते हैं। वो जैसे ये इनको ड्रमबीम कहते हैं। मृतिका मलबा गोला के जमाव से जब उल्टे अंडे किसी टोकरी के समान आकृति का निर्माण हो जाए उसे ड्रमबीम कहते हैं। अब है अंतिम जो आवाज पर होते निक्षेपण के होते हिमानी अवक्षेप मैदान। यहाँ पर अपरदन बिल्कुल समाप्त हो जाती है, नीचे ढाल बिल्कुल मंद हो जाता है, उसकी ताकत भी समाप्त होती है, अपने साथ तो अवसाद होते हैं उनको ले जाने बिल्कुल असमर्थ होती है। और ये जो अवस्था होती है अंतिम अवस्था, इसको बोलते हैं हिमानी अवक्षेप मैदान। हिमानी अवक्षेप मैदान ये हिमजल के प्रवाह से हिमजल के प्रवाह से मलबे मलबे के दूर तक फैलने से निर्मित दूर तक फैलने से निर्मित पंचल के आकार वाले मैदान। पंखे के आकार वाले मैदानों को हिमानी अवक्षेप मैदान कहते हैं। ये इस तरह की आकृति होते हैं, इनको हिमानी अवक्षेप मैदान कहते हैं, पंख के आकार वाले
ये हिमानी विक्षेपण की अंतिम अवस्था होती है, इसके बाद कोई विक्षेप नहीं होता। ठीक है, फिर से हम दोबारा से आपको देख लेते हैं। हिमानी विक्षेपण की स्थायी स्थलाकृतियां, एक नंबर पर हिमोड, नदी द्वारा सबका मलबा सूखकर पत्थर गोला से साइड लाते हैं उनके बोलते हैं हिमोड। दूसरा है एस्टर, लंबे सकरे और लहरदार को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। केन, हिमालय जड़ों के मृत्यु ढाल वाले टीले, त्यू ढाल वाले टीले क्या बोलते हैं, केन। चौथे नंबर पर आता है केटिन, ये बर्फ के जो पिघलने से जो गर्त होते हैं उनको केटिन कहते हैं, बर्फ जो पिघल जाते हैं उनसे गड्ढे बन जाते हैं उनको केटिन कहते हैं। ब्रह्मी, अंडे की टोकरी के समान आकृति को ड्रम बीम के नाम से जाना जाता है। हिमानी औचित्य निर्माण, हिमानी औचित्य निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित। ठीक है, आज के लिए बस।